आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में एक मॉडल दिया जो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु अर्थात हाइड्रोजन तुल्य परमाणुओं के लिए भी सत्य है। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा को उत्सर्जित न करने वाले निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण कर सकता है। ठीक है, एनवी कक्षा की त्रिज्या आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n² और इलेक्ट्रॉनों की स्थायी कक्षा में ऊर्जा ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n². जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर n इक्वल टू 2 से निम्न ऊर्जा स्तर n इक्वल टू 1 से में संक्रमण करता है तो न्यू आवृत्ति का एक फोटोन उत्सर्जित करता है। H बराबर डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू RCH बाई n²² माइनस ऑफ माइनस RCH बाई n²² इज इक्वल टू RCH 1/n²² माइनस 1/n²। यहाँ पर R का मान हमें दे रखा है 1.07 × 10 की पावर यहाँ दे रखा है, मीटर इनवर्स में यहाँ दे रखा है वैल्यू। यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय स्थायी कक्षा से, यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया, इलेक्ट्रॉन द्वितीय स्थायी कक्षा से प्रथम स्थायी कक्षा में संक्रमित करता है तब उत्सर्जित ऊर्जा का मान क्या होगा। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। देखिए हम पहले ऊर्जा क्रम बनाते हैं यहाँ पर पहली, ठीक है, और इसी तरह से ये दूसरी, ठीक, और इसी तरह से ये हमारी तीसरी यहां पर हो जाएगी, ठीक, और ये हमारी थोड़ा सा गैप ज्यादा रहता है यहाँ पर पहली, ठीक है। तो ये यहां पर n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, इसी तरह से आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन हमसे जो कहा गया वो कहा गया है कि दूसरे ऊर्जा स्तर से, मतलब n इक्वल टू से कहां पर आ रहा है, प्रथम में आ रहा है, ठीक, पहले वाले में यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर एक फोटोन यहां पर जो मतलब इमिट करेगा एच न्यू का, ठीक है। चलिए हमें निकालना है एनर्जी, तो हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं एनर्जी का। तो एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस 13.6 वन अपॉन एन एफ स्क्वायर मतलब फाइनल स्टेट माइनस 1/n² मतलब इनिशियल स्टेट, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था जो है ये एन एफ एन आई दिखा रहा है। हमारे प्रश्न के अनुसार अगर हम रखें यहां पर मान, तो ई इज इक्वल टू माइनस 13.6 1/1² माइनस 1/2², ठीक है, ये हमारी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स थी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 13.6 वन माइनस 1/4, इसको ले सकते हैं 3/4, तो ई का मान हो जाएगा माइनस 13.6 इंटू 3/4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग मान आ जाएगा हमारा माइनस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देखिए हमारा बी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर मैच कर रहा है कि मतलब माइनस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले वाला गलत है, बाकी सब गलत है, हमारा जो बी वाला ही ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा ऑप्शन नंबर बी, कि जब इलेक्ट्रॉन प्रथम स्थायी कक्षा से संक्रमित होता है, मतलब द्वितीय स्थायी कक्षा से प्रथम स्थायी कक्षा में संक्रमित होता है, यहाँ पर N2 से N1 में आता है, तब एनर्जी का जो मान होता है वो होता है माइनस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, आशा करते हैं इस प्रश्न को अब आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।